हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हैं आप लोग। और आज मैं फिर से वापस आया हूँ एक नई वीडियो लेके, नया टॉपिक लेके, जो कि एक ऐड था नहीं बल्कि एक मूवी का रिव्यू है, और जो है बाजार, करेक्ट, सैफ अली वाली। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंडियन एड्स सेंस, करेक्ट। सो आज हम बात करेंगे मूवी ट्रेलर के ऊपर और रिव्यू देंगे, राइट। और जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बाजार। इसका ट्रेलर आज सुबह ही रिलीज हुआ था और ट्रेलर देखकर मुझे इतना समझ में आया है कि वो एक मनी बेस्ड थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा आने वाला है, राइट। जैसा इमरान हाजमी की दो चार फिल्में देखी होंगी, क्रिकेट बेस आई थी पुरानी मूवी, तो वो सब पैसे पे थी। तो ये भी इस तरह के स्टॉक मार्केट टाइप का पैसा है और सब, मतलब इसके चारों तरफ से पैसा ही पैसा है, अमीर और अमीर लोग, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको इसमें। उससे रिलेटेड थ्रिलर है कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। चलिए तो हम इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट तो शुरू करते हैं। इसमें स्टार्टर की बात करते हैं तो पहला रोल जो मेन लीड में है वो है सैफ अली खान एज सकुन कोठारी, गुजराती, जो कि एक कंपनी चलाते हैं, शायद स्टॉक ट्रेडिंग की है, और गुजराती का रोल कर रहे हैं। तो आपको पता है गुजराती लोग वैसे पैसों में क्या होते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं पैसों के लिए, और सभी हमारे देश के ज्यादा मिलो वहीं से, राइट। तो सैफ अली खान कुछ ट्रेलर में जितने भी डायलॉग है उनके, वो कुछ भी दिखाया है उसमें, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं कि मैं और मेरा पैसा कोई ले जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, मुझे पैसा चाहिए कैसे भी, कुछ भी करके। और इसीलिए इसमें टैगलाइन भी दी गई है बाजार के नीचे, बड़ा आदमी बनना है तो लाइन क्रॉस करनी होगी, राइट। तो बहुत ऐसे दमदार डायलॉग है जो बहुत ज्यादा दमदार है। चलिए हम बात करते हैं इसमें सेकंड रोल एक्टर की, जो है रोहन मेहरा एज रिजवान अहमद अलाहाबादी बॉय, जो कि ट्रेलर में छोटे घर के लड़के दिखाए जा रहे हैं अलाहाबाद से। ऑफकोर्स उन्होंने पढ़ाई अलाहाबाद से, अलाहाबाद से ही हुए, राइट। सो एक छोटे घर का लड़का है जो बड़े बड़े सपने देखता है, जो सुकुन कोठारी जी की कंपनी में जॉब करना चाहता है, उनकी कंपनी में उनके साथ काम करना चाहता है, पैसा बनाना चाहता है, और वो ऐसा करता भी है। इस मूवी में इनको बहुत ज़्यादा माइंडेड दिखाया गया है कि वो पैसे के लिए कितने प्रेफर करते हैं। सो ये मूवी इन दोनों के आसपास ही घूमती रहती है कि कैसे रिजवान अहमद कैसे बड़ा आदमी बनता है, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है उसके साथ। चलिए हम बात करते हैं इसमें तीसरे एक्टर की, सॉरी एक्ट्रेस की, जो है राधिका आप्टे भी है इसमें, जो कि शायद रिजवान के अपोजिट होने वाली हैं, और ट्रेलर में तो वो काफ़ी बिंदास लग रही हैं, जो कि वो हर मूवी में होती भी हैं, राइट। तो अपने रोल को काफ़ी हद तक जज कर रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें फोर्थ एक्ट्रेस की, चौथे रोल की एक्ट्रेस की, जो है चित्रांगदा सिंह, मैं सर नाम लगे रहा हूँ, चित्रांगदा सिंह, राइट। सो ये भी सैफ के अपोजिट होने वाली है, शायद उनकी वाइफ है, और मे बी उनका रोल छोटा है बट काफ़ी इंप्रेसिव होने वाला है उनका रोल, छोटा बट मोटा, राइट, छोटा बट बड़ा धमाका वाला, क्योंकि उनके डायलॉग दो तीन ही दिखाए गए हैं बट वो शायद लास्ट में आके बड़ा सा कुछ हंगामा करते हैं पीछे से निकल के। और इसके बाद अगर हम एक्शन में, तो मूवी में एक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा है, थ्रिलर मिलेगा आपको, एक्शन के नाम पर शायद कुछ ना मिले आपको कि मारधाड़ हो रही है कुछ, थ्रिलर जरूर होता है कि मैंने सस्पेंस आपको देखने को मिले। हम बात करते हैं म्यूजिक, और म्यूजिक बहुत टाइम बाद इस म्यूजिक में, इसमें एक बीच में नाम आता है ट्रेलर के बीच में, जो लोग काफी टाइम से सुनने को तरस रहे थे, और जो है यो यो हनी सिंह, करेक्ट, हनी सिंह ने म्यूजिक दिया है, ट्रेलर देखेंगे भी आप तो उसमें बीच में आता है यो यो हनी सिंह। सो देखते हैं कैसा म्यूजिक होने वाला है, और करेक्ट। और इस मूवी की रिलीज डेट जो कंफर्म हुई है अभी, जो प्रोड्यूसरों ने रिलीज किया है, वो है 26 अक्टूबर 2018। सो मेरे हिसाब से मैं इस मूवी को स्टार, अगर मैं ट्रेलर को करूँ सो तो मैं इसको 5 में से 4 देता हूँ ट्रेलर में, एज ए ट्रेलर, कि ट्रेलर पे जो दिखाया गया है वो अगर वैसा एक्चुअल मूवी 2 या 2.5 घंटे की होती है तो मूवी अच्छा जरूर करेगी, लोगों को पसंद आएगी, राइट। और वीडियो खत्म हो चुका है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंडियन एड्स एंड। बाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हैं?